पाकिस्तान बनना चाहिए, वरना हम एक तसल्लुत से निकल के दूसरे में चले जाएंगे। हिंदू मजबूत से मजबूत और मुसलमान कमजोर से कमजोर तर होता चला जाएगा, और फिर आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान बनना कितना जरूरी था। तुम लोग इसे जल्दी तैयार कर दो, बारातियों ने खाना खा लिया है, बस अब वो लोग रुख्सत ही मांग रहे हैं। हाँ जी, हो गया है। कौन है? मैं बानो। दरवाजा खोल दे, भाभी से मिलना है। अरे सुरैया, तुम्हारी नन तो बड़ी चालबाज निकली, वो यहाँ भी आ गई। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मतलब कि हमें कल से आपके घर के बाहर इंतजार करना होगा? मेरा मतलब सुरैया खाला के लिए। सिर्फ आप ही को नहीं, इन सबको भी इंतजार करना पड़ेगा। पहले यूं ही दरवाजे के पास खड़े होकर मिन्नतें करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं दरवाजा खोलूंगी। मैं विदा नहीं होंगी। तो क्या दूल्हे को अपने घर लेके जाओगी? कुछ भी करूंगी, लेकिन किसी के घर नहीं जाओ। चाहे वो तुमसे कितना ही क्यों ना प्यार करता, फिर भी आसमानों से उतारा नूर है कोई। सब लोग 5 बजे उठते हैं, तुम मुझे 4 बजे भगा रहे हो। नहीं, आप जाए, घर में मेहमान भरे हुए हैं, सब बारी बारी गुसल खाने में जाएंगे, और किसी ने आपको कमरे से निकलते देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ नाश्ता भिजवा रही है बीबी? सुरैया की ससुराल में, और कहाँ? लाए, मैं दे आता हूँ। ये सीधी उठाओ नाश्ते की, और दुल्हन बेगम के कमरे में ले जाओ। बानो, हमने क्या कहा सुना नहीं तुमने? सीनी उठाओ और दुल्हन बेगम के कमरे में ले जाकर नाश्ता चुनो। नहीं, तुम रहने दो भाई, हम नजमा को बुलाते हैं। नजमा? नहीं, बस नजमा को बुलाते हैं हम। सर, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं, वो मैं नाश्ता आ गया है, मैं आपको उसके लिए बुलाने आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, नाश्ता आ गया, चलो चलो। अरे वो बेटा, मेरा ना उगालता नंदन रह गया, वो लेके आना है। अरे दीनू, तुम यहाँ खड़े हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। जाओ जाके उनसे कहते हो कि भाभी उन्हें बुला रही है। किसको बाजी? उनको, जो भाभी के यहाँ से आए। आप मेरी बात कह रही हैं? वो हाँ, मैं भाभी आपको बुला रही है। ये बात आप मुझे खुद भी बता सकती थी, तो फिर दीनों को भी बुला रही थी। हाँ, लेकिन मैं वो आप मैं वो बस क्या हो गया आपको? कोई देखे तो समझेगा आप मुझसे शर्मा रही हैं। मैं भला आपसे क्यों शर्माऊंगी? मैं तो सिर्फ इसलिए कि
मैं तो सिर्फ इसलिए क्या अच्छा वो नाश्ते के लिए सब बुला रहे हैं वो मैं इनको नाश्ते के लिए बुलाने आया था हाँ वो तो नजर आ ही रहा है कामिनी चाची चले हाँ चलो कामिनी चाची हाँ एक बात तो बताइएगा जरा पूछो क्या हम इतने बुरे हैं कि हमें कोई आंख भी उठा के ना देखे अब गैरों को कोई क्यों देखेगा हाय चले अब गैर कह ही दिया है तो गैर ही सही वैसे भी एक ही दिन की तो बात है मैं परसों जा रहा हूँ इतनी जल्दी कामिनी अरे हाँ आई आई साले आई मैं उगालदा लाना ना भूलना ठहरिए कहिए एक दफा आप गैर तो कहते हैं फिर वादा मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगा मुझे कुछ नहीं कहना कह तो दिया अरे रवि चंद कुर्सियां और चाहिए होंगी आज हमने तो आपको पहले ही कहा था आप बिला वजह तकल्लुफ में पड़ गए चिंता ना कीजिए अपनी बहन के यहां से मंगवा देंगे भाई मियां जी हाँ आप ही से मुखातिब हैं बावर्ची आ गए क्या वो तो फजर से आए हैं उन्हें कहा है कि 2 बजे वलीमे का खाना परोसते हैं अल्लाह करे हर काम खुश असलूबी से हो जाए चिंता ना कीजिए हमने मोहल्ले के सारे लड़कों को काम पे लगा दिए आप तो फहीमिया बस आइएगा बैठिएगा और चले जाइएगा अरे वाह जैसे मेरा काम सिर्फ बैठना है आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अरे नहीं सावित्री की शादी में भी ऐसा ही हुआ था इसलिए कह दिया सावित्री की शादी पे तो मेरी तबीयत खराब हो गई अच्छा और वो हैदर की बहन क्या नाम था उनका रुबीना उनकी शादी पे भी तबीयत खराब हो गई थी आपकी वैसे ये क्या नारा लगाया है आपके उन कायदे आजम ने कि पाकिस्तान चाहिए तो मुस्लिम लीग को वोट दीजिए भाई मुझे ये बताइए कि अगर पाकिस्तान बन गया तो क्या हिंदुस्तान के सारे मुसलमान वहां चले जाएंगे क्यों सलीम मियां बिल्कुल बिल्कुल ये जो इतने सारे मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके हैं जैसे आसाम बंगाल पंजाब बलूचिस्तान सरहद सिंध कश्मीर इन्हें मिला के एक खुद मुख्तार रियासत बनाने की बातें हो रही हैं, जहां मुसलमान अपने दीन पे आजादी से चल सके और फिर अगर पाकिस्तान मजबूत हुआ तो हिंदुस्तान के मुसलमानों पे भी बेजा ज्यादती नहीं होगी के इलेक्शन जीतने के बाद कौन सा कांग्रेस ने मुसलमानों से किए हुए वादे पूरे कर दिए जो आप वो आजादी की बात कर देंगे अगर हम इसी तरह उनके साथ रहे ना तो ना उन्होंने हमें कभी आगे बढ़ने देना है और ना वो कभी हमें हमारा हक देंगे उन्हें तो सदियों बाद मौका मिला है मुसलमानों पर हुकूमत करने का वो तो अपने दिल के अरमान पूरे करके ही रहेंगे भाई नसीर तुम मुझे ये बताओ तुम कांग्रेसी हो या लीगी मैंने सारी जिंदगी वोट तो कांग्रेस को दिया पर अब इन नौजवानों की बातों से कुछ लगता है कि लीगियों में कुछ कम है भाजी मेरे ख्याल मुझे प्यास लगी है मैं अभी आता हूँ क्या जी पानी पी के आता हूँ अभी थोड़ी देर में आप यहां क्यों आ गए चाहिए था किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा कुछ नहीं कहेगा
शर्मा के खुद ही भाग जाएगा। पता सब कितनी बातें बनाएंगे। क्या बात है, शादी से पहले भी पर्दा और शादी के बाद भी पर्दा। ये पर्दा नहीं, लिहाज और अदब होता है। और वैसे भी मर्द इस तरह बार बार घर में आते अच्छे नहीं लगते। इसीलिए तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? कल बाहर चलेंगे घूमने फिरने, तस्वीर भी उतरवाएंगे। नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो बहुत बुरी बात होगी। कोई नहीं देख लेगा ना, छुप के जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बात है सरे, तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मीनी से क्या कहूंगी? कोई भी बहाना कर देना। आओगे? कहाँ जा रही है? भाभी के पास। अभी मत जाइए। क्यों? कोई वजह है ना? देखिए, मुझे ऐसी फजूल बातें करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे आपसे ये फजूल फजूल बातें करने का बहुत मजा आता है। ये ठीक बात नहीं है। क्यों? आप ऐसी बातें करेंगे तो मेरे हाथ से सीनी गिर जाएगी। सीनी क्यों गिर जाएगी? आप ऐसी फजूल बातें जो करते हैं। अच्छा, कैसी फजूल बातें करता हूँ? मुझे नहीं पता, हटिए। बताओ कैसी बातें करता हूँ? ऐसी जैसे आप अभी कह रहे हैं। अगर आप ऐसी बातें करते रहेंगे तो मेरे हाथ से सच में सीनी गिर जाएगी। अगर गिर गई तो हम दोनों मिलकर उठा लेंगे। भाभी बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे उन्हें नाश्ता देना है। गरम गरम पूड़िया निकालू। तुम यहाँ खड़ी हो भानु, हद करती हो बेटा। तुम्हें जो काम कहा था वो किया? जी बीबी, बस मैं जा रही हूँ। नहीं किया होगा ना, भूल गई होंगी हमेशा की तरह। हम ही कर लेते हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं मानता। अभी मत जाइए। क्यों? क्योंकि सलीम अपने कमरे में। तुम्हारी सास और नंद आ रही थी तुम्हारे साथ नाश्ता करने के लिए। मैंने तो उन्हें मना कर दिया, कहा आज सुरैया खाला मेरे साथ नाश्ता करेगी और कल से आपके साथ। ठीक किया ना? हाँ हाँ, अच्छा किया। क्या बात है? नहीं कुछ भी तो नहीं। देखो सुरैया खाला, झूठ बोलना एक बहुत बड़ा फन है, उस पर अपनी महारत आजमाना बंद करो और साफ साफ बताओ। वो आए थे। कौन वो? वो वही ना। अच्छा सलीम आया था। ऐसा बोलो, सब सुन लेके। अब मैं ये तो पूछने से रहा, क्या बात हुई? वो कह रहे थे शाम में मुझसे दरिया पर मिलो, मेरे साथ तस्वीर बनवाना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ ना, मैं कैसे जा सकती हूँ? और एक नए नवेले दूल्हे की बदवाएं लो। माफ करो बीबी, क्यों मेरे चेहरे के फूल जड़वाने पे तुली हुई हो? अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते रहते हो तुम? अब तुम मुझे बताओ ना, मैं क्या कर सकती हूँ? आसान है, हम कहेंगे हमारी दूर की फूफी बीमार हो गई थी, शादी पे नहीं आ सकी थी और मिलना जरूरी था। अल्लाह, ऐसा करोगे तुम? हाय हाय हाय, क्या शौके मुलाकात है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर झूठ बोल रही? तो फिर शाम 5 बजे। लेकिन एक शर्त है। शर्त? तुम बानो को अपने साथ लेके आओगी। सुरैया, पता है जब से तुम्हें मिला हो ना,
उसे मोहब्बत का मफहूम समझ में आ गया। पता नहीं इतनी सारी जिंदगी तुम्हारे बगैर मैंने कैसे गुजार ली। खुदा की कसम जी जाता है कि अब सारी जिंदगी तुम्हारे पास ही बैठे बैठे गुजर जाएगा। तस्वीर बनवाने चले? चले जाएंगे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे डर लग रहा है किसी ने देख लिया तो। ना बड़ा बुरका पहना हुआ तुम्हें यहाँ कौन पहचान पाएगा? उल्टा लोग मुझ पे शक जरूर करेंगे कि पता नहीं शादी के बाद कौन सी लड़की के साथ घूम फिर रहा है। अयला, अब क्या होगा? मेरा ख्याल है मैं अब चलना चाहिए। अरे रुको, इसका इलाज है मेरे पास। क्या? अब तुम बुरका उतार दो। हे? बुरका उतार दो? हाँ। मैं यूं देखना चाहता हूँ तो मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते। नहीं। तुम जा कहाँ रही हो? बस कीजिए ना, हर वक्त आप अपनी मनवाते रहते हैं, अब आपकी खातिर मैं क्या बेपर्दा भी हो जाऊं? तो ठीक है, बाद में फिर मुझे मत कहना। बताना कि मैं भी यहाँ हूँ। नहीं, बल्कि वो तो ये समझ रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ ताकि सुरैया खाला पे शक ना हो। ना मैं तो भैया से कभी आंख ना मिला पाती। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कितनी बेशर्मी की बात है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे भैया ऐसा करेंगे। ऐसा क्या किया उसने? पहले वो उनके कमरे में चले गए, अब सबसे छुपके उनको यहाँ लाए। बेशरम हो गए मेरे भैया। शोहर है उनके। तो क्या हो गया? अगर खानदान में किसी को पता चल जाए तो अब्बा जी की नाक कट जाएगी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे इतने बुर्दबार और मौजूद भैया इतनी छिछोरी हरकत करेंगे। सुनो, मेरा तो इससे भी ज्यादा छिछोरी हरकत कह रहा था। क्या? कुछ नहीं, सोच रहा था कि शादी के बाद अपनी दुल्हन को हनीमून पे ले जाऊं। तो क्या होता है शादी के बाद? दूल्हा और दुल्हन दो चार दिन के लिए शहर पे चले जाते हैं, उसे हनीमून कहते हैं। अकेले? अकेले? अरे ना, तौबा तौबा तौबा, कितनी बेशर्मी की बात है, मैं तो कभी भी ना जाऊं। तो क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अभी तो कहा था। मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका बानो? मेरे साथ हनीमून पे चलोगी? अल्लाह, कितने बुरे हैं आप तो भैया से भी बेशरम हैं। जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। बानो, 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 अय्यूब, मेरी किताबें कहाँ हैं? हसन बेटा, सुना है आज तुम जा रहे हो? नहीं खाला, मैं सुबह को निकल जाऊंगा। अच्छा बेटा, कभी हमारे यहाँ भी चक्कर लगाओ ना पिंडी, राबिया तुम्हें बहुत याद करती है। लेकिन मैंने तो कभी याद नहीं किया। इसके अब्बा बहुत याद करते हैं तुम्हें। मार क्यों रही है? नहीं खाला, मेरा चक्कर तो लगता है लीक के कामों की वजह से पिंडी, लेकिन फुर्सत ही कहाँ किसी से मिलने मिलाने की। अब आपने कहा है तो मैं जरूर आऊं। जरूर आना बेटा। वो मैं गाजर का हलवा लाई थी तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना, साथ ले जाओ। अच्छा, ये लो। शुक्रिया।
राबिया को भी बहुत पसंद है। मैंने तो इसको सारे हलवे पकाने सिखा दिए हैं। भाई उम्र गुजरते को पता चलता है लड़कियों का क्या भरोसा। और वैसे भी तुम इम्तिहान देके नौकरी पे लगोगे तो ये खैर से 16 साल की हो जाएगी। और मैं वैसे लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने के हक में नहीं हूँ, बस मैट्रिक ही काफी है। लेकिन मैंने तो इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन में पढ़ना है। आए हाय बच्ची है मासूम, इसको क्या पता, इसके अब्बा तो कभी नहीं मानेंगे, तौबा करें, सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन क्यों, लड़कियों को भी आला तालीम हासिल करनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं उनसे बात करूंगा। आप बात करेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि इस्लामिया कॉलेज की तो क्या ही बात है। तुम्हें पता है मैं भी वहाँ पढ़ता हूँ, और चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज किया था वो भी वहाँ के पढ़े हुए हैं। मैं जरूर जाना चाहिए इस्लामिया कॉलेज। अच्छा खाला, मैं अपना जरा सामान बांध दूँ और अम्मा से मिलूँ। हाँ हाँ बेटा, वो ऊपर है। बाबी हो गई, पागल हो गई। हो गई तैयारी, अब कब आओगे? बस इम्तिहानों के बाद। आप दुआ कीजिए कि मैं कामयाब हो जाऊं। आमीन। मेरी तो हर सांस से तेरे लिए दुआ ही निकलती है बेटा। खुदा तुझे तेरे सारे इम्तिहानों में कामयाब करे, तेरे सारे ख्वाब पूरे करे, अल्लाह तुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। मेरे ख्वाब तो पूरे हो जाएंगे, आप बस दुआ कीजिए अल्लामा इकबाल का ख्वाब जरूर पूरा हो, क्योंकि वो अब इस मुल्क के सारे मुसलमानों का ख्वाब बन चुका है। अम्मा दुआ कीजिए जीना का दौरा बहुत कामयाब हो। आमीन। इतनी कमजोरी के बावजूद भी वो पूरे बड़े सगीर का दौरा कर रहे हैं। हमारे कायद और लियाकत अली खान का बस एक ही नारा है, अगर पाकिस्तान चाहते हो तो मुस्लिम लीग को वोट डालो। अम्मा अगर मुस्लिम लीग जीत गए तो आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कुव्वत का कोई इंकार नहीं कर सकेगा। अगर इस मुल्क के हर मुसलमान का जज्बा तेरी तरह होना तो फिर पाकिस्तान बनने से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पर क्या करूं, मैं माँ हूं ना, मैं चाहती हूं कि अब तुम्हारे सेहरे के फूल खिलते हुए देखूं, लेकिन तूने तो सारा मामला ही इल्तवा में डाल दिया। अब ऐसी भी बात नहीं है, लड़की तो देखी जा सकती है। हाँ? क्या मतलब? नहीं मैं बाकी सबसे मिला हूँ, बहुत जल्दी है। मेरी बात सुन। अरे अम्मा मैं आता हूँ। हसन बात तो सुन। हसन अच्छा उन्नीस सौ 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मरकज की 30 की 30 और सूबों की बेशतर सीटें जीत ली। तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इतने कलील अरसे में पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई हो। इस जीत से उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुसलमानों को गलत तौर पर लफ्ज़ अक़लियत से मौसूम किया जाता रहा है। ऐसे नामसाइद हालात में फिक्र अमल के इत्तेहाद का ऐसा सबूत न पहले किसी ने दिया और न इसके बाद देखने में आया। इस तरह 6 जनवरी 1946 में मरकजी इलेक्शन बोर्ड को यह तस्लीम करना पड़ा कि मुस्लिम लीग ही बर्रे सगीर के मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकतवर नुमाइंदा जमात है और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इसके सरबराह। और इस खुशी में पूरे मुल्क में मुसलमानों ने जश्न मनाया। वैसे यकीन नहीं आता कि 1937 के इलेक्शन की हार के बाद हमारी पार्टी यूं भी जीत सकती है। क्या खूब कहा इकबाल ने इसके बारे में, जब इस संगारे खाकी में होता है यकीन पैदा तो कर लेता है ये बालों पर रूह इलाम पैदा। वाह आगे फरमाते हैं, गुलामी में नकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर। क्या हर जमाने में ऐसा हो सकता है? जमाना इंसानों से बनता है और इंसान अपनी हैयत तो बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं। बल्कि इंसान की फितरत यह भी है कि अगर वो अल्लाह और अपने आप पर यकीन रखे तो वो जमाना बदल सकता है। मैं तो सोचता हूँ अगर आज अल्लामा इकबाल जिंदा होता तो अपनी नज़्म तुलूए इस्लाम का यूं हम पे असर देख के कितने खुश होते। मेरा दिल तो चाहता है कि इसी नज़्म को हमारा मिली तराना हो जाना चाहिए।
वो तो हो गए, देखना पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये नजम असर होगी इंशाल्लाह। तो जनाब अब तो मुसलमान इलेक्शन जीत गया, अब आप लोगों का क्या ख्याल है, मुसलमानों को उनका हक मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा, अरे अब तो लंदन से मलका भी आ जाए तो भी मुसलमानों की हक तलफी नहीं कर पाएगी। मुझे नहीं लगता, अब देख रहे हैं ये लोग कोई नया झमेला खड़ा कर दें, आगे कांग्रेस के इलेक्शन की हार के बाद अपनी बगलें झांक रहे हैं, अब देखो कौन सा शोशा छोड़ते हैं। चलो भाई मैं तो चलता हूँ, सुबह कॉलेज भी है। क्या मतलब, इस जीत की खुशी में छुट्टी नहीं करोगे? ओ भाई इतनी छुट्टियां करने लगे तो हो गई मिल्लत की छुट्टी, चलता हूँ। कहाँ खोई बानो? कहीं नहीं। कोई ना कोई बात तो है, कोई याद आ रहा है? कौन? मैं नाम तो तुम ही बता सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं भाभी, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ जब कोई लड़की अकेले जो मुस्कुराती है, आहें भरती है, कोई ना कोई बात तो होती। सुरैया खाला आ भी ना। खाला? मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई बानो? वो भाभी जल्दी में मुंह से निकल गया। अच्छा, तो उस दिन हसन ने तुम्हें साथ लाने की इसीलिए शर्त रखी थी है ना? भाभी आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? चल लाग बंदरिया, मैं सबको बता दूंगी, देखना। अगर आपने किसी को बताया तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे, आइंदा ऐसी बात की ना तो मेरा मरा हुआ मुँह देखूंगी। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन आप कसम खाएं कि आप किसी को नहीं बताएंगे। कसम क्यों दे रही हो? किसी को नहीं बताऊंगी तो तुम्हें अपनी बहू कैसे बनाऊंगी? बनोगी ना मेरी बहू? क्या सच्ची बात कह गए गालिब चाचा भी, हर जमाने में सादिक आ जाती। क्या कहा? यही कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हमा यार पढ़ाई कर लो, पढ़ाई काम आएगी, पढ़ाई ना की तो लड़की भी हाथ से जाएगी। पढ़ाई तो कर रहा हूँ। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, इतनी बड़ी तहरीक, पढ़ाई और माँ की जिम्मेदारी भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन एक लड़की ने तुझे हिला के रख दिया। ऐसी भी कोई बात? अच्छा जरा अपनी शक्ल देखो जाके आईने में, बात बात पे मुस्कुराना, इकबाल छोड़ मोमिन और मीर पर उतर आना, पढ़ते पढ़ते खो जाना और लिखते लिखते उनका नाम लिखना। अबे यार तेरी बीमारी तो खतरनाक हद तक बढ़ गई है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। भाई मेरी बीमारी का कोई इलाज है? अच्छा नहीं अच्छी लगती है क्या? अच्छी कमजोर लफ्ज, लेकिन तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त, अभी मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वरना अगर नाकाम हो गया तो बहुत बुरा होगा। नहीं इंशाल्लाह नाकाम नहीं होने वाले, तो लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सही कह रहे हो यार, अब इम्तिहान खत्म होने तक मोहब्बत मुलतवी करनी पड़ेगी। शुक्रिया मेरे यार मुझे डांट के होश में लाने का। डांटने में तो हम आए, जब कहेंगे सुना देंगे, लेकिन मैं लेने क्या आया था? हाँ ये वाली वे? हाँ ये सब शुक्रिया, चलता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ कोई खबर मिली कैबिनेट मिशन की? मैंने सुना है इनका नतीजा तो पहुंच गया हम तक, कोई सुबह भी पेश किया कि नहीं? नहीं यार अभी का, सबने मिलकर अंग्रेजों को इस मुल्क से निकाल तो दिया, लेकिन यहाँ के मसाइल हल करना कोई इतना आसान काम तो नहीं है।
बड़े धूम तड़ाके साथ लंदन से आए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मुफामत करवा के मुल्की हुकूमत उनके हवाले कर दे। ये बात तो मुझे भी पता है लल्लू प्रसाद, मैं पूछ रहा हूँ कोई मंसूबा भी पेश किया कि नहीं? यार अभी तो बातचीत चल रही है, देखो क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे। अम्मा आ गया मेरा बच्चा। कैसा हुआ इम्तिहान? बस ठीक हो गए, अगर आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएंगे। इतनी मेहनत की है मेरे बच्चे ने, मैं अच्छे मुसलमान होने का हक निभाया है। अरे अम्मा कैसी बातें करती हैं आप, मैं तो असल मुसलमान का अशरे अशीर भी नहीं हूँ। बज़ाहिर नहीं हो, लेकिन अच्छा मुसलमान क्या होता है? जो अपने सीने में एक दर्दमंद दिल रखता हो, जो कुर्बानी और इसार के जज्बे से वाकिफ। और तुमने अपना फर्ज निभाया है, ना अपनी पढ़ाई छोड़ी ना फर्ज, ये कोई छोटी बात नहीं है बेटा। शायद मुस्तकबिल की किताबों में तुम्हारा नाम ना लिखा जाए, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अरे अम्मा मैं तो इस तहरीकी मशीन का एक अदना सा पुर्जा हूं, मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता? हम सब इस मशीन के छोटे छोटे पुर्जे, एक छोटा सा कील, पेच, पहिया, सिलाई, हमारी अपनी अलग अलग शनाख्त नहीं है, ना ही अलग अलग नाम। लेकिन अगर हम अपना अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो मशीन नहीं चलेगी ना। हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो ही तो ये मशीन चलती है। और इन कामों में सबसे अजीम काम आपका, क्योंकि माँ ही अपनी औलादों को सही नसीहत देती है और उनका मुस्तकबिल बनाती है। अगर माँ ही अपना काम छोड़ देंगी तो सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह वो वक्त न लाए, अल्लाह ना करे, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी मेहनत रहेगा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बता, पहले चाय पिएगा या खाना ही खाएगा? मैं सोच रहा था कि मैं सुरैया खाला और पीपी से मिला। अच्छा मिला, पर जल्दी आ जाना। ठीक है। अरे 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 तुम भी यहां पे आए हुए हो, मेरी यहां तब्दीली हो गई है। वाकई? यकीन नहीं आता, हम 4 साल पहले यहां से निकले थे, मैं पढ़ने तुम नौकरी ढूंढने, और देखो 4 साल बाद हम इकट्ठे आ गए। हाँ दोस्ती हो तो फिर ऐसी। हसन! अरे अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो खुश रहो, कब पहुँचे? बस अभी अभी अम्मा से मिलके आ रहा हूँ, आप कैसी हैं? अरे मुझे क्या होना है, बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह ने इतनी अच्छी बहू जो दी है, बेटों की फिक्र थी वो भी लायक निकले, और अब बहीन भी हमारे पास है, मुझे क्या होना है, अल्लाह ने सब कुछ दिया, बस अल्लाह से एक ही दुआ है कि बानो को अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। बीबी इन्होंने सिर्फ पूछा था कि आप कैसी हैं, आपने तो कबूल और गैर कबूल दुआओं की फेरिस्त खोल दी। अरे नहीं फहीम, यही बातें तो हमें बीबी की बहुत अच्छी लगती हैं, वरना लोग आप कैसी हैं के जवाब में खुशियां भूल कर अपनी मुसीबतों और मुश्किलात के दफ्तर ही खोल देते हैं। यही तो खूबी है हमारी बीबी की। ये सब कुछ हमने इनकी अम्मा से तो सीखा है, मजाल है जो रशीद है अपनी मुश्किलात का इतना भी जिक्र करे। जी उनकी शख्सियत भी तो बहुत अजीम है। बीबी सुरैया खाला किधर है, मैं उनसे मिला हूं? हाँ हाँ जरूर, अपने कमरे में है, बहुत खुश होंगी तुमसे मिलकर, जल्दी से मिला फिर हमारे पास आओ, तुम्हारी खबर लेंगे हम। जी जरूर। अच्छा मेरे भाई सुरैया खाला, सुरैया खाला, सुरैया खाला, इस लड़के की चालाकी तो देखो।
दिल में बानो बानो और ऊपर से खाला खाला। क्यों तंग करती हूँ, उनके कपड़े भीग जाएंगे। तू चुप कर। सुरैया खाला, ये तेरी भाभी और होने वाली सास का होगा। लेकिन सुरैया खाला, वो आपके चहेते भांजे हो तो हो। मेरी प्यारी सिनन की रात की नींद और दिन का चैन हराम किया हुआ, इसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। सुरैया खाला,